सब्सक्राइब कीजिए प्रियाज लवली किचन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियाज लवली किचन। आज हम बनाएंगे हेल्दी क्रीमी स्पिनच पास्ता। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, चलो आप ट्राई कीजिए। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए आज की इस रेसिपी को शुरुआत करते हैं। क्रीमी स्पिनच पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप पेने पास्ता। इधर मैंने व्हीट पेने पास्ता लिया है, 50 ग्राम स्पिनच, पालक, इधर मैंने बहुत सारी सब्जियां ली है। इसमें 1/2 कप कटा हुआ गाजर, 1/2 कप कटे हुए फ्रेंच बीन्स, थोड़ी कटी हुई हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और ब्रोकोली, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, मिक्स हर्ब्स 1/2 चम्मच, 1 कप दूध, 1 बड़ा चम्मच पमेजान चीज, 1 चम्मच मोजरेला चीज, टेस्ट के लिए नमक, 1 बड़ा चम्मच मैदा, 1 चम्मच बटर और उसके साथ हमें चाहिए 2 चम्मच ऑलिव ऑयल। तो सबसे पहले हम पालक को बॉईल करके प्यूरी बनाएंगे। गैस के ऊपर पैन रखा है, इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे उबाल आने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे पालक और पालक को जस्ट हल्का सा ब्लांच करना है। तो इसी तरह से पालक ब्लांच होके तैयार है। पालक को एक बाउल में निकालेंगे और ये बचा हुआ पानी आप कौन सी भी करी के लिए भी यूज कर सकते हो। पालक ठंडा होने के बाद हम इसकी मिक्सर में प्यूरी बनाएंगे। गैस के ऊपर पैन रखा है, इसमें 3-4 कप पानी डालेंगे और पानी को अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। पानी को उबाल आया है, इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पेने पास्ता। पास्ता को 8 से 10 मिनट के लिए मध्यम आंच पे पकाएंगे। पास्ता अच्छी तरह से सॉफ्ट होना चाहिए। तो इसी तरह से पास्ता पक के तैयार है। देखो, मैं आपको स्पून से दबा के दिखाती हूँ तो आसानी से पास्ता टूट जाता है। तो इसी तरह से पास्ता पकना चाहिए। अब हम इसमें से पूरा पानी निकालेंगे। इधर मैंने स्ट्रेनर लिया है, पास्ता को स्ट्रेनर में डाल के पूरा पानी निकालेंगे। गैस के ऊपर मैंने दूसरा पैन रखा है, इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे, 1 कटी हुई सारी सब्जियां डालेंगे। सब्जी को मध्यम आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए सौते करेंगे। सब्जी हल्की सी पकनी चाहिए। इसमें मैंने टेस्ट के लिए थोड़ा नमक डाला है। सब्जी को हम थोड़ी क्रंची ही रखेंगे। तो इसी तरह से ये सब्जी पक गई है। सब्जी को एक बाउल में निकालेंगे। इसी ही पैन में 1 चम्मच बटर डालेंगे, बटर मेल्ट होने देते हैं। पालक की मैंने प्यूरी भी बनाई है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन। लहसुन को मध्यम आंच पे 1 मिनट भूनेंगे। लहसुन हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। तो इसी तरह से लहसुन भून गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे मैदा और मैदा को भी थोड़ा भूनेंगे, हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसमें 1 कप दूध डालेंगे। गैस के आंच इसी टाइम बिल्कुल धीमी रखना है और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इसका थिक सॉस बनाना है। गैस की आंच धीमी ही होनी चाहिए, नहीं तो इसके लम्स बन जाएंगे। तो इसी तरह से सॉस अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पालक प्यूरी और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखो कितनी अच्छी तरह से लाइट ग्रीन कलर आ गया है। यह हमारा सॉस बनके तैयार है। टेस्ट के लिए नमक डालेंगे, चिली फ्लेक्स, कुटी हुई काली मिर्च, मिक्स हर्ब्स और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मध्यम आंच पे 1 मिनट पकाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ पास्ता और ये पकी हुई सारी सब्जी। सब्जी की वजह से पास्ता खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगता है और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मध्यम आंच पे 2 मिनट पकाएंगे। थोड़ा परमेसन चीज़ डालेंगे और मोजरेला चीज़ और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो इसी तरह से टेस्टी हेल्दी क्रीमी स्पिनच पास्ता बनके तैयार है। पास्ता को एक सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे।
ये पास्ता गर्मा गर्म ही सर्व कीजिए। गर्मा गर्म ही पास्ता खाने के लिए टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी चलो इसी तरह से पास्ता बनाइए, खाइए। आप ये पास्ता ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हो, डिनर के लिए बना सकते हो, और लंच के लिए हल्की सी भूख है तब भी आप इसे बना के खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, चलो आप ट्राई कीजिए, आई होप आपको पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आप भी चलो इसी तरह से क्रीमी स्पिनच पास्ता बनाइए, खाइए और आपके अनुभव शेयर कीजिए। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर हम मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।